गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक हो चुका है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हमारे रॉपन गाइस यहाँ पे आज बड़ा धमाका करने वाले। हेलो, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। ये देखो कितना खूबसूरत नजारा है। मोबाइल में साइड हाय गाइस, हम सब जा रहे हैं चौपटा के लिए, मिलते हैं वहाँ पे और ऊपर जा रहे हैं और ऊपर बहुत मजा आएगा। बहुत ठंड भी है वहाँ पे, अभी तो बहुत जल्द लग रही है, अभी लॉट्स ऑफ फन, ऊपर जाके बहुत मजा करेंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पे बर्फ नहीं, बारिश नहीं होती। लोग केदारनाथ बाबा की जय। तो गाइस जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं वैसे वैसे ठंडियाँ बढ़ रही है, तो ठंडी बहुत लग रही है, इसके लिए हम लोग चाय के लिए बैठे हैं अभी। तो गाइस यहाँ की व्यूज देखना, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखो देखो वहाँ पे केदारनाथ, वहाँ पे यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है ये लोग का। हाय ब्रो, अब मैं वापस अपने मूड में आ चुका हूँ। मैंने एक बार वॉमिट कर दिया है, फिर हम मुक्त हो चुके हैं। अभी हम देखते हैं क्या हुआ, क्या क्या हुआ, राज्य क्या बात किया पता नहीं। गाइस यहाँ से सीन बहुत बढ़िया आ रहा है। और ये देखो ये लोग फोटो शूट पे लगे, ये आधे इधर आधे इधर फिर आधे उधर और ये इधर बैठा नेचर एंजॉय। और वहाँ पे सारे कैंप्स है। तो गाइस अभी फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं तुंगनाथ टेम्पल। सो ये टेम्पल को केदारनाथ का तीसरा टेम्पल भी बोलते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, जो सबसे ऊंचाई पे स्थित है, तुंगनाथ महादेव बोलते हैं इसे। और ये चौकटा में आया हुआ है। हर महादेव, हर महादेव। और ये जगह कोई जन्नत से कम नहीं है, बोलो हर हर महादेव, हर महादेव। हमें पता रही है, बोलो गणपति बप्पा, हर हर महादेव। हमारी यात्रा में ये भाई हमारे साथ चलेंगे। देखो बिलू, बिलू ये बहुत शर्माते हैं गाइस, ये बहुत शर्माते हैं। इधर देखो, इधर आप वीडियो में आ रहे हो, यहाँ पे देखो। हाँ ये अभी वीडियो में आएंगे। चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक कर देना। ओके ओके, आपके सारे मेंबर को बोल देना। चलो तो ये दो दो बोतल लेके आ रहे, क्योंकि हमको ऊपर बहुत लंबी चढ़ाई करनी है तो चाहिए बोतल। चल चल फिर से, once more, 1 2 3 start, जोगी तेरा रूप निराला। तो गाइस यहाँ पे एंट्री हो रही है बॉटल की, यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है तो भी ऊपर जा सकते हैं। गाइस ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है आज का, बहुत मजा आने वाला है आज तो। कोई फाइनल मैडम मुक्ति दी है। तो गाइस यहां से हमारी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है और मैं लंगड़ाता हुआ चल रहा हूं, लेकिन चल रहा हूं। हाय अजय, अगर ब्रो व्हाट्सएप बड़ी लाइन लग रही है। हर महादेव, हर महादेव। भाई बॉडी ऊपर आते हैं ना, बॉडी पतली हवा है। हां पतली 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 हवा है, पर बाबा केदारनाथ के इतना प्यार है ना, चढ़ जाएंगे, चल जाएंगे बाबा के, इतना प्यार चढ़ जाएंगे। तुंगनाथ बाबा की जय। आपको बहुत ही काम आएगा। हाँ भाई डर जाऊंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन एंट्री भी लिखवाना पड़ता है वहाँ पे। कितना कितना पर्सन, पर पर्सन, भाई पर पर्सन यहाँ पे 150 का फीस है यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए, दर्शन के लिए। आप जब भी जाओगे आपको 150 रुपए यहाँ पे देना है और आगे जाना है। और 6 किलोमीटर का अंतर है चौपटा से तुंगनाथ, और तुंगनाथ से
चंद्रशिला 1.5 किलोमीटर और 6-7 साढ़े 7 किलोमीटर है। तो गाइस अभी तो थोड़ी सी चढ़ाई हुई है पर इतने में ही थक गए हैं हम लोग, और आगे क्या होगा पता नहीं, देखा जाएगा। और ये हमारे साथ है रोनी, ये हमारे साथ है, इसके लिए हमने इसका नाम रख दिया है रोनी। अपन गए अगर तुम ना डाउट तो अपना सामान साथ में लेके मत आना, बहुत थकान लगती है यहाँ पे चढ़ने के बाद, बहुत ही ज्यादा तो एकदम काम की चीज ही लाना, ज्यादा बगैर काम की चीज यहाँ पे लाना ही मत। हाँ। और लकड़ी को खास लेके आना लकड़ी। तो गाइस उनका भी हक बनता है जिन्होंने हमें इतना दूर 1600 किलोमीटर आने का परमिशन दिया है। तो हमने सोचा है कि ये ब्लॉग हम हमारे फैमिली के लिए बनाए, एक एक मोमेंट दिखाना चाहता हूँ हमारे फैमिली को, क्योंकि वो लोग भी इम्पोर्टेंट है ना, सिर्फ हमें ही मजे ले ऐसा थोड़ी। सो जिसको देखना है वो देखेंगे, जिस सब इसके वेट कर रहे हैं अभी वहाँ पे जैसे जाएंगे ना वैसे बोलते कि साहिल एक फोटो। ऊपर से आएगा भाई, ये सब गया। अजय का ना, अजय हुई नहीं गई तो आरू आ जाए भाई, शांति दी आओ जो तुम लोग को जो आओ तो लांबी लाना जो बाकी लांबी लाकड़ी लांबी लाओ जो भाई એવું છે બતાવે નહીં આ જો આ આ ભાઈ तो गाइस अभी हम लोग है ना वहाँ पे थे, वहाँ पे ऐसे 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 करके फिर यहाँ पे यहाँ तक आ चुके हैं अभी। तो गाइस इधर हम लोग 3 किलोमीटर कर लिया और 3 किलोमीटर बाकी है। सबके मुंह में से सभी नहीं गया, वो पानी की तरस भी नहीं लग रही है और ऊपर धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, पतली हो रही, कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है। देख सो कैसी फीलिंग हो रही है, ये देखो हमारी पल्टन धीरे धीरे करके आ रही है, धीरे धीरे करके आ रहे हैं हमारे पल्टन। नहीं है इसलिए भाई, चलो अभी थोड़ी ही देर बाकी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सुंदर बाबा की जय। आराम से पप्पू आराम से। तो गाइस फिलहाल हमने यहाँ पे कैलाश पर्वत लिया है, थक गए बहुत, अभी तो और चढ़ना है, बहुत सारा चढ़ना है, बहुत सारा, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। हाँ अभी तो आधा भी नहीं हुआ है, बहुत चढ़ना है भाई, चलो चलते। तो गाइस देख सकते हो ये रही बर्फ, यहाँ से बर्फ स्टार्ट हो रही है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे बर्फ स्टार्ट हो जाएगी और ठंडी भी। हाउ वाज द फीलिंग ब्रो? तो यहाँ पे पानी का नल भी है तो यहाँ से पानी हम लोग भर लेते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि बहुत थक गए। वाटर लेके आना गाइस अगर आ रहे हो तो, ऊपर कहीं भी नहीं मिलेगा, ऊपर कहीं पे भी नहीं मिलेगा, रास्ते में मिलेगा आपको, ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, बाबा तुंगनाथ ही मिलेंगे और चंद्रशिला। बहुत ही ठंडा पानी है गाइस, इतना ठंडा पानी तो हमारे फ्रिज में भी नहीं होता है, बहुत ही ठंडा पानी। चलो चलो फ्रेश हो जाओ सब, ऑल सेट। गाइस अब पता चला कि अमरनाथ की यात्रा इतनी कठिन क्यों है, लोग बोलते हैं कि अमरनाथ की यात्रा बहुत ही कठिन है, यहाँ तो सिर्फ एक पहाड़ पे हमारी हालत खराब हो गई है, वहाँ पे अमरनाथ तो 3-4 पहाड़ होके गुजरना होता है और महादेव जी को मिलना होता है, लेकिन महादेव जी को हमको मिलना ही है इसलिए हम लोग ऊपर जाएंगे, गिर के पड़ के लेट के भी जाएंगे लेकिन जाएंगे जरूर। बोलो हर हर महादेव। गाइस रियली एकदम मस्त पानी है, आरो से भी बहुत अच्छा पानी है गाइस, बिसलेरी से भी बढ़िया। तो गाइस बर्फ वाले रोड स्टार्ट हो चुके हैं,
और यहाँ पे बर्फ गिर रहा है। जय टुंगनाथ, जय केदारनाथ। किसी ने सच ही कहा है, अगर स्वर्ग को देखना है तो तुंगनाथ के धाम आओ और स्वर्ग देखो। ये देखो यहाँ पे। जय। तो गाइस यहाँ पे हनुमान जी देखिए, हनुमान जी के बैनर से ना यहाँ पे एकदम लाल लाल है, डर लग रहा है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मैंने यहाँ पे दे दिया है। ओ हो भाई। तो गाइस कुछ टाइम पहले हम लोग बादल के नीचे थे और आ चुके हैं अब बादल के ऊपर। अब बादल सब नीचे हो चुके हैं और हम हो चुके ऊपर। बोलो हर हर महादेव, हर महादेव, तुंगनाथ बाबा की जय। तो गाइस व्यू देखो, व्यू कितना मस्त, मजा आ रहा है। एक घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ। यहाँ से नीचे से है ना पूरे बादल ऊपर आ रहे हैं, ऊपर से कुछ दिख ही नहीं रहा है, नीचे का कुछ दिख ही नहीं रहा है व्यू। और देखो यहाँ के व्यू। गाइस बहुत मजा आ रहा है, थक गए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, नेचर दिख रहा है, वैसे वैसे एनर्जी आ रही है। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, मौज मौज, जय तुंगनाथ, हर हर महादेव, तुंगनाथ बाबा की जय। आल टिकड़ी यहाँ पे बिल्डिंग का बनना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चलो हम भी बनाते हैं वाले। यहाँ से घूम जाएंगे तो मंदिर दिखने वाला है, सब बोले। ले बोल, बोले क्या यार, क्या ही ना, मैं बोलता था। अभी वो भाई ने बोला कि यहाँ से सीधे जाओगे और घूमोगे तो मंडी दिखना शुरू हो जाएगा, और ऐसी बात सुनने लगे कि आप और एक्साइटमेंट हो गए कि हम मंडी दिखने वाला है। तो गाइस पहुंचने वाले हैं जल्दी से ही। तुंगनाथ बाबा की जय। तुंगनाथ बाबा की सेटा दे दे ब्रो, थैंक यू यहां तक उठा के लेके आने के लिए। तेरा कैमरा भाई, तेरी वजह से के लिए तीन बार हो जाए। हिप हिप हुरे, हिप 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 हुरे। तो गाइस एक सच्चाई, आप जितने भी बलवान भी क्यों ना हो जाओ, पर इस पहाड़ के सामने झुक के चलना पड़ेगा। सही बात है। तो गाइस हमें जाना है वहाँ पे, वो देखो वहाँ पे, अभी थोड़ा ही बाकी है। वाह केदारनाथ बाबा, हर हर महादेव। तो गाइस यहाँ पे आकाश कुंड है। आकाश कुंड कुछ ऐसा है, इस वक्त इनके मुख में से वाटर नहीं गिर रहा है, पर आप जब भी आओगे तो इनके मुंह में से पानी गिरेगा। ये रायता हुआ है और ये हाथी का मुंह। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं